अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। आज हम आपको भिंडी बनाना सिखाएंगे और भुंजिया भिंडी बनाना सिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। देखिए हम इसको भिंडी को काट लेना, हमको देख लेना, हमने भिंडी को काट दिया। अगर आपको काटना नहीं आता तो इसी मेरे इस वीडियो में कमेंट करें, हम आपको भिंडी भी काटना सिखला देंगे। माशाल्लाह देख लीजिए, हमने भिंडी काट लिया। अब काट के हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है और कैसे इसमें तेल गर्म करना, कैसे प्याज डालना है। देख लीजिए, हम आपको बता सकते कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह हमने काट दिया है भिंडी को। हम आपको बताते हैं कि देख लीजिए, हम लोग अब चलते हैं। देख लीजिए, हम लोग एक डेक्सी चढ़ा दी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे, हमको आधा किलो भिंडी में एक चम्मच तेल डालना है। देख लीजिए, हमने तेल डाल दिया। अब तेल को जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। आपको बताएंगे कि हमने काटी हुई प्याज, देख लीजिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने दो पोती हमने प्याज लिया है, दो प्याज लिया है। माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा तेल देखिए गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, जो हमारी कटी हुई प्याज थी हम उसको डाल देते हैं। अगर आपको प्याज भी नहीं करना तो हमारे जान प्याज डालते हुए तो बंद कर देंगे कि कहीं पर छुट्टी ना जाए, कि इसमें प्याज डालने की छुट्टी बहुत जल्दी पड़ने लगती है। आप देख लीजिए, हम आपको अच्छे से बताएंगे। बस को खोल कर दिखला देते हैं। जब हमारी रेड हो जाएगी जब आपको बताएंगे क्या करना है। देख लीजिए, हमने खोल दिया है प्याज को। देख लीजिए कितना, देख सकते हैं आप। हमारी जब ये रेड हो जाएगी प्याज भी, हम इसमें कटी हुई भिंडी डालेंगे। चलाना है तो ये रेड हो जाएगी तो फिर हम इसमें कटी हुई भिंडी और का बताएंगे आपको कैसे डालना। देखिए, हमने हरी मिर्ची भी काट ली है। हमारी हरी मिर्ची 10 थी, 10 पे हमको काटना है हरी मिर्ची। हम आपको भिंडी देख लीजिए, हमारी आधा किलो है। अब आपको जो हमारी प्याज थी वो रेड हो गई होगी। देखिए, हमारी प्याज रेड हो गई है। अब इसमें हम कटी हुई भिंडी डालेंगे, फिर इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। देख लीजिए, देख लीजिए, हम लोग कटी हुई भिंडी डालेंगे इसमें। फिर सारी भिंडी डाल देंगे, फिर इसको चला देंगे, फिर इसमें हरी मिर्ची डाल के इसको बंद कर देंगे। फिर हम पूरी भिंडी डाल देते हैं इसमें। जब हमको प्याज जब हमारी रेड हो जाए, जब ही ना आपको डालना है भिंडी को, कच्ची प्याज नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखना। देख लीजिए, माशा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगा। आप इसको हरी मिर्ची डाल देते, फिर इसको हम चला देंगे अच्छे से। इसको चलाएँगे, मैं देखिए हमने चला दिया था। अब इसको रख देंगे, इसको हमको 15 मिनट के बाद करके रख देना है। जब ये 15 मिनट के बाद इसको हम खोल के देखेंगे कि हमारा कैसे बना है। आप देख सकते हैं, इसको खोल के दिखाते हैं। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। देख लीजिए, हमारी भिंडी का कलर कितना डार्क हो गया है, मतलब गल रही है धीरे धीरे। हम इसको चला देते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी कच्ची है। इसको चला के फिर हम इसको बंद कर देंगे। इसमें धीमे आंच से हमको बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना। इस बात का आपको ध्यान रखना कि जब ये बन जाएगी तो आपको पता है बहुत अच्छी लगेगी देखने में। देख लीजिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम बंद करके रख देंगे। पहले चलाएंगे अच्छे से, फिर बंद करके रख देंगे। पहले हमको चला देना इसको अच्छे से, और फिर इसको हम बंद करके रख देंगे। इसको देख लीजिए, हमने बंद करके रख दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि ये अपने आप गल जाए। देख लीजिए, हमारी कितनी अच्छी गल के तैयार हो गई है। हमने 5 मिनट तक रख दिया था। अब इसको हम चलाएंगे। देख लीजिए, हमारी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। हमको धीमे आंच से बनाना है। थोड़ा चला के हम इसको कैसे करके भून लेंगे। अगर हम इसको निकाल के आपको बताते हैं कि कैसे बनी। देख लीजिए, हमारी कितनी अच्छी भिंडी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में। चलिए चलाएँ।